देख रहा है विनोद है जी, देख कैसे ई भोला ए बॉन्ड के साथ मिलके कितना मस्त पैसा छापा है। भैया का ई पेंट के धंधे में इतना पैसा हुआ था नी? भैया हमका तो बहुत गड़बड़ लगा था नी, और नहीं तो क्या, साला सब दो नंबर का पैसा है। विनोद तेरे को याद है का भैया, साला 3 महीने पहले ई भोला से उधार मांगे थे, साला बोल रहा था जहर खाने को पैसा नहीं है, अब देखो देखो ना साला अब कितना पैसा उड़ा रहा है। अरे वाह यार विम धायक जी, ई भोला तो एक दम्भुकाल पार्टी दिया है, हमका तो एहा बहुत मजा आवा तानी। हाँ बाजी तू सही बोला तानी, ई ससुरा सच में बहुत भयंकर पार्टी दिया है, पर विधायक जी ये भोला साला क्यों कहीं नहीं दिख रहा। बाजी तू भोला को छोड़ और ये बता ये सेल मोनवा किधर चला गया, ये तो साला गाड़ी से उतरते ही गायब हो गया। हे ब्रो ये क्या है, ये क्या है सर, ये तो H2O है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, H2O। तभी मैं बोलूं मेरे को इतना तगड़ा नशा क्यों हो रहा है, ये साला सच में एकदम भोकाल आइटम है। ब्रो मेरे को और H2O चाहिए, ला मुझे और H2O दे। पर सर अब सारा H2O खत्म हो गया है। अरे ब्रो तू ये क्या बोल रहा है, चोर ऐसे कैसे खत्म हो सकता है, मेरे को और H2O चाहिए, बताइए और कहाँ मिलेगा। अरे बाप रे क्या ही पागल आदमी था ये, साले को H2O नहीं मालूम। अरे आओ आओ विधायक जी, आपका ही तो इंतजार था। विधायक जी आप आए बहार आई, लेकिन विधायक जी ये भोला आपसे आज नाराज है। क्यों भाई मुझसे क्यों नाराज है, मैंने जो क्या तेरी माँ को आंख मारी या तेरी बहन को छेड़ दिया, जो तू मुझसे नाराज है। विधायक जी हद है भैंस की आंख, बोलने की तमीज नहीं है तुम्हें, भाई की शादी है और तुमने पूरे मूड की ऐसी तैसी कर दी। अरे भाई मजाक था मजाक, तूने तो दिल में ले लिया। तो फिर क्या यार विधायक जी तुम बात ही ऐसी करते हो, भाई तू अब भी नाराज है। नी यार विधायक जी बस बुरा लगा। अरे भाई तू दिल पे ना ले यार, मैं ले ले। अरे विधायक जी क्या बच्चों दी है, अरे मजाक था भाई, सॉरी सॉरी, चलो जाने दो, पहले तू बोल तुझे बुरा नहीं लगा। हाँ चलो नहीं लगा बुरा, सच बता नहीं लगा ना बुरा। हाँ विधायक जी नहीं लगा बुरा, बस अबे बुरा नहीं लगा तो बाजी का भी ले लेना। हाँ हाँ हाँ। अरे हद है भैंस की टांग, तुम्हें तो इज्जत ही नहीं देनी चाहिए विधायक जी, पूरा मूड खराब कर दिया। अरे विधायक जी क्यों ही करते हो यार, आज इसकी शादी है, आज परेशान मत करो। ओके। और बाजी मेरे भाई तू कैसा है। बस भाई सब बढ़िया, क्या आप आज भी कच्चे में हत्ते हैं? अबे ओए लहन के भोदे साले दिखा दी ना अपनी औकात, साले ज्यादा ना बोल समझा, वरना साले बीच मंडप पे हक दूंगा। अरे बाजी मेरे भाई मजाक था मजाक, सॉरी सॉरी। आई ये साला कौन है अब, छोटा छतरी। अरे साला क्या चुटिया बच्चा है ये, साला मेरी शादी में आके मेरे मुंह में थूक दिया, तो साले तू उसे छेड़ा ही क्यों। अबे मुझे थोड़ी ना पता था ये इतना चादरा मुद है, चल भाई भोला इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, चल जाने दे यार बाजी जाने दे, बच्चा समझ के माफ कर दिया इसे। अब ये बताओ वेयर इज बॉय। अबे भाई ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो, ब्रो मत पूछ। क्यों भाई क्या हुआ, बॉय एकदम से चल रहा है।
क्या सेयर टल रहा है? अबे भाई, तुमने उसे सेयर क्यों किया? तुम्हें अच्छे से पता है भाई की शादी है, तुम्हें पता है वो तो बिना पिए बवाल कर देता है, तुम उसे कैसे पीने दे सकते हो? अबे हमने नहीं पिलाई भाई। क्या तुम्हें नहीं पिलाई? हाँ भाई, हमने नहीं पिलाई। बोई ने आज बल्लू का माल फूंक लिया। क्या बल्लू का माल? अबे भाई ये क्या बवाल कर दिया यार, तुम उसे रोको प्लीज, बड़ी मुश्किल से लड़की मिली है। तुम्हें तो पता ही है पिछली बार कोई चादर मोद मेरे शादी होने से पहले मेरी बीवी को डोली से उठा ले गया। साला मिल जाए तो उसकी हड्डी तोड़ दूं। भाई मैं तो जा रहा शादी करने, इससे पहले कुछ अनहोनी हो जाए। भाई तुम उस बोई के बच्चे को रोको। भाई विधायक जी, अब बोए को कहाँ ढूंढे, ये साला कहाँ गया? अबे जाने दो साले को, हम अपना एंजॉय करते हैं। पर विधायक जी अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या भोला की ये शादी भी टूट जाएगी। हुई हुई हुई। हेलो ब्रो। ब्रो क्या तुमको पता है ये H2O कहाँ मिलेगा? अरे पर तुमको H2O क्यों चाहिए भाई? क्योंकि मेरे को नशा करना है, उधर सारा H2O खत्म हो गया है, मेरे को और H2O चाहिए। यश भाई बोलो, दे दूं क्या? दे दूं क्या? अबे ऊंचो मुंह, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। अरे ब्रो तू ना H2O को छोड़ और ये पकड़। ये क्या है ये? हाँ ये गुची है। चुची? What's wrong with you, bro? मैं बोला गुची, वो बोला चूची, ये गुची है। हाँ, भाई एकदम सही बोले, यही है। अच्छा वैसे इससे क्या होता है? अबे ब्रो ये गुची ना तेरे H2O का बाप है, समझा? अरे थैंक्स ब्रो, मैं इसी को ढूंढ रहा था, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, ये मुझे तब से पसंद है। ओके ब्रो अब मैं चलता हूँ, मुनी मेरा इंतजार कर रही होगी, बाय। और हाँ ब्रो एक और बात, तू ना वो पहला इंसान है जिससे अपन की पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले दोस्ती हुई। तेरे को लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तू मेरे ड्राइवर को फोन कर देना, मेरा ड्राइवर बहुत खतरनाक है। ओके ब्रो अब मैं चलता हूँ, मुनी मेरा इंतजार कर रही होगी। अबे ये क्या चुटिया आदमी था आयुष भाई, ये साला इतना सेट चल रहा है कि खुद को पाकिस्तान में समझ रहा है। मुझे तो हंसी आती है कि जब साले को होश आएगा तो पता चलेगा हम पाकिस्तान में नहीं साउथ अफ्रीका में है। यो ब्रो यही है। अरे दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। अरे वाह विधायक जी, ये भाभी जी तो एकदम हीरोइन लग रही है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। विधायक जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? विधायक जी हद है भैंस की टांग, अपनी नियत पे काबू रखो, हद है भैंस की पूछ, वो इतनी सुंदर कैसे हो सकती है यार, ये गलत है यार, मैं तो पागल हो गया यार। देख रहा है विनोद कैसे ही विधायक भोला की पत्नी को देख के लार टपका रहा है। हम भैया ही विधायक एक नंबर का हरामी हो वातानी, जब हूँ लावड़िया देखा तानी, तब हूँ लार टपका तानी। ओए भाई विधायक जी को पकड़ के साइड में ले चल, वरना पूरी शादी में नंगा नाच हो जाएगा, और ऊपर से ये सेलमोन बॉय पता नहीं कहाँ मर गया। ओह आंटी जी आई एम सॉरी। ओ कमीनी छोड़ दे बेटा, अबे साली कमीनी हाथ चलाती है, ये ले
ले। तू चुड़ैल है चुड़ैल, बस मेकअप लगा के खुद को हीरो समझ रही है। देख रहा है विनोद, हैं जी कैसे ही सेल मोनवा एकदम धुतल रहा है। अरे भैया बोई का तो अलग ही चला तानी, बोई तो मतलब एकदम अपरंपार शराबी हो वातानी। अरे बाजी भाई आई एम सॉरी, साला पता नहीं मेरे को क्या हो गया था, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे, मेरे अंदर का सेतानी विधायक जा गया था। थैंक्स बाजी भाई, अगर आज तू ना होता तो ना जाने क्या हो जाता, मैं उस सेलमोन को बुरा भला बोलता हूँ और खुद इन चीजों पे डूब जाता हूँ। अरे विधायक जी इस बात को छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अरे भैंस की टांग। अरे विधायक जी वह देखो वो रहा बॉय। आ बच्चे हाथ मिला। अरे मम्मी जी ये पंखा क्यों बंद हो गया, लगता है तार हट गई। अभी लगाती हूँ। अरे मुन्नी ये तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो क्या, पागल हो क्या। अरे ऐसे तो तुमको करंट लग जाएगा। रुको मैं तुमको बताता हूँ कि पंखा कैसे चलाते हैं। लाओ ये तार मेरे को दे दो। देखो सबसे पहले तुमको उस स्विच को बंद करना होगा ताकि तुमको करेंट ना लगे, समझी मुनी जी। और फिर जाके हम इस तार को उस छेद के अंदर घुसेड़ देंगे। अरे डीजे में डांस शुरू हो गया, चलो हम भी डांस करते हैं। हुई 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 चलो बढ़िया से शादी निपट गई, अब मैं सुहागरात मनाऊंगा। हुई हुई हुई। अरे बांबू मैं ना बाहर से एंट्री लूंगा एकदम हीरो की तरह, फिर मैं ना तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। ठीक ओके ठीक। अरे पगली हंसती क्यों हो, चलो मैं बाहर जाता हूँ। ठीक ओके। अरे भोला भाई तू बाहर क्यों खड़ा है, भौजी ने भगा दिया क्या। अरे नहीं विधायक जी ये तो बस हम दोनों गेम खेल रहे हैं। गेम हाँ गेम, इधर आओ तुम्हारे कान में बताता हूँ, दीवारों के भी कान होते हैं।
अरे बाप रे भोला, तू तो बड़ा नॉटी है यार। चल भाई तू खेल अपना खेल, हम सोने चलते हैं। ओके विधायक जी। अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। आई एम कमिंग बाम्बू। आई ये बत्ती कैसे चली गई? चलो मैं जनरेटर चला के आता हूँ। अरे ये क्या, ये बाबू क्यों चलाई? बाबू क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अबे साले कहाँ मर गया था तू? कुत्ते? कुत्ते? हाँ कुत्ते। बाबू मैं जनरेटर स्टार्ट करने चला गया था। अबे साले चुतिये, उधर तू जनरेटर स्टार्ट करता रह गया और यहाँ कोई और गेम खेल गया। क्या क्या? भोला भाई क्या हुआ? भोला भाई क्या हुआ? भोला भाई क्या हुआ? विधायक जी, कोई चांद रमोद मेरे खेत में अपना हल चला गया। क्या क्या? अब मैं क्या करूं विधायक जी, मैं तो अपनी सुहागरात में ही लूट गया। कोई चांद रमोद मेरी जिंदगी के हसीन पलों की चामोद गया। बोला भाई सुन, तेरी इज्जत हमारी इज्जत भाई, हम उस चादरमोद को आज छोड़ेंगे नहीं। पर कैसे विधायक जी, मेरे पास एक मस्त प्लान है। प्लान? हाय प्लान। विधायक जी प्लान बताओ। तो सुनो, तू जो गेम भौजी के साथ खेल रहा था तुझे उसे दोबारा खेलना होगा। पर क्यों विधायक जी? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है वो बंदा दोबारा मैदान में जरूर आएगा, और जैसे ही वो कदम रखेगा उसका काम तमाम। हमें बस एक्टिंग करनी है। अब बोलो कैसा लगा मेरा प्लान? अरे विधायक जी आप ये कैसे कर लेते हो यार, ये तो एकदम मस्त प्लान है। चलो शुरू करते हैं। चलो बाबू एक्टिंग शुरू करते हैं। ओके बाम्बू मैं बाहर से आऊंगा। ओके ओके। अरे लाइट चले गई, चलो मैं जनरेटर ऑन करके आता हूँ। बाम्बू चिल्लाई, अबे साले रुक, तेरे मौत आई है जो तूने अपने बाप से पंगा लिया है। बाबू क्या हुआ, फिर से खेल गया क्या? भोला भाई कहाँ है वो चादर मोद? आई भोला भाई कहाँ गया साला? साला फिर खेल गया। अबे यार ये साला तो कुछ ज्यादा बड़ा खिलाड़ी निकला, साला हाथ आ ही गया था बच गया। लेकिन भोला भाई अब तो ये तेरी इज्जत पे आ गया है भाई। विधायक जी अब मैं क्या करूं? अब करना क्या भाई, अब राउंड टू खेला जाएगा। राउंड टू? हाँ राउंड टू। पर विधायक जी, परवर कुछ नहीं भोला भाई, अब बाती जत पे आ गई है, तू समझता क्यों नहीं? ओके विधायक जी, बेबी तुम ओके हो? ओके ओके। चलो राउंड टू शुरू करते हैं। चलो बाबू एक्टिंग शुरू करते हैं। ओके बाम्बू मैं बाहर से आऊंगा। ओके ओके। आई ये बत्ती कैसे चली गई? चलो मैं जनरेटर चला के आता हूँ। बाम्बू चिल्लाई, बाबू क्या हुआ, फिर से खेल गया क्या? भोला भाई क्या हुआ, भोला भाई क्या हुआ?
अरे विधायक जी, ये तो फिर से खेला हुई गवा। अब मैं क्या करूं विधायक जी? अरे भाई, अब करना क्या, अब राउंड थ्री स्टार्ट करते हैं। राउंड थ्री। ऐसे तो उसे नहीं जितने दूंगा भोला भाई। चलो राउंड थ्री स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो चलो। राउंड थ्री। बाम्बू, मैं बाहर से आऊंगा। ओके। इस बार तो पटक के रख दूंगा। फिर लाइट गई, चलो जनरेटर स्टार्ट करता हूँ। आई बाम्बू चिल्लाई, रुक साले रुक लहन के भोड़े, तू तो गया। भोला भाई क्या हुआ विधायक जी? फिर से खेला हो गया, अब क्या करूँ? राउंड 4। क्या राउंड 4? हाँ बाम्बू। ओके। फिर लाइट जाएगी और फिर जनरेटर चलेगा, फिर बाम्बू चिल्लाएगी, मैं फिर दौड़ लगाऊंगा, वो फिर खेला करके चला जाएगा। विधायक जी, राउंड 5। लाइट, जनरेटर, बाम्बू। विधायक जी, राउंड 6। बाम्बू। ओके। लाइट, जनरेटर, बाम्बू। विधायक जी, राउंड 7। बाम्बू। ओके। यार साला, यहाँ तो राउंड पे राउंड फेल हो रहे हैं, पर घंटा कुछ नहीं हो रहा। विधायक जी और बाजी तो अपना 100% दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ कमी कहीं ना कहीं तो रह जारी है। शायद उसकी वजह मैं ही हूँ। मैंने इस बीच अपना माइंड यूज ही नहीं किया। पापा जी, मेनू कोई आइडिया दे दो। अरे आइडिया आ गया, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वैसे ही अब चोर की दाढ़ी में भोला का पेंट होगा। बाम्बू ये लो। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? बाबू मेरा यकीन करो, ये फाइनल राउंड है और उस हरामजादे का अब गेम ओवर होके ही रहेगा। मैं तुम पे सारा पेंट पोत दूंगा और अब जब वो दोबारा आएगा तो वो रंगा हुआ सियार अलग ही दिखेगा। हुई। वाह बाबू, ये तो बहुत बवाल आइडिया है। चलो अब एक्टिंग शुरू करते हैं। ठीक। आई ये लाइट फिर से चले गई। चलो मैं जनरेटर चला के आता हूँ, तब तक तुम्हें बॉन्ड को YouTube पे सब्सक्राइब कर लो भाई। और अगर तुम ये वीडियो किसी और के पेज में देख रहे हो तो प्लीज ऐसे पेज और ऐसी प्रोफाइल को दबा के रिपोर्ट मार दो। या अगर तुम्हें कहीं भी हमारे ऑफिशियल चैनल और पेज के अलावा कोई और पेज, ग्रुप या चैनल पे ये वीडियो दिखे तो प्लीज रिपोर्ट मारो। ये लोग हमारा काम बर्बाद करते हैं। ये हमारी आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है। अरे बाबू फिर से चिल्लाई। बाम्बू क्या हुआ? कुछ नहीं बाम्बू, हमारा प्लान एकदम सक्सेसफुल रहा। यस। देखा बाबू, मैंने बोला था वो साला मेरे जाल में फंस ही जाएगा। हाँ बाम्बू, यू आर ए वेरी स्मार्ट। आने दो विधायक जी और बाजी भाई को, उन्हें भी बता देते हैं इस प्लान के बारे में। उन बेचारों को तो इसके बारे में पता ही नहीं था। उनके आते ही फिर हम सब उस रंगे हुए सीआर को दबोच लेंगे। हुई। भोला भाई कहाँ गया वो लहन का भोंडा, उसकी अम्मा की टंगड़ी तोड़ू। विधायक जी, भोला, अरे चांद तारे तोड़ दूंगा, उस पांडू का सर फोड़ दूंगा, कहाँ गया ये मदर। अबे साले बाजी तू भी, भोला भाई।
बाम्बू उठ जाओ ना, प्लीज बाम्बू उठ जाओ। अरे मुनी, तुम ये डेढ़ बड़ी के साथ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ चलो, उधर तुम्हारे अमी और अबू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अबे साले पागल चुतिये, बेटा तेरे साथ वाले तो भाग गए, लेकिन बेटा अब तू मरेगा। ये ले, ये ले, ये अरे अरे, ये मुन्नी तो ये पागल हो गई है। मुझे इसको पाकिस्तान लेके ही नहीं आना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? बाजी मुझे ऐसे मत देख, मैंने बोला ना मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा ऐसा क्या? वह तो सब अपने आप हुआ होगा ना। बाजी देख, तू औरतों की तरह मुझे बातें मत सुना। नहीं सर, हमारी कहा औकात जो तुम्हें बात सुनाए, वहाँ तो भूत आया था जिसने वे सब किया। बाजी तू अपनी लिमिट में रह समझा। अरे क्यों रहूं लिमिट में साले, मुझे बोलने दे साले। मैंने तेरे जैसा नीच इंसान कभी नहीं देखा, तू भोला के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अबे साले तेरा भी तो मुंह लाल है। मैंने तो तुझ पर कोई सवाल नहीं किए साले, और यहाँ तू मुझ पर शक कर रहा है। बेटा हम विधायक जी हैं, जरा इज्जत से बात करो। अरे घंटा का विधायक चुटिया आज तक एक इलेक्शन नहीं जीता और खुद को विधायक कहता है। मेरा कद्दू करे तेरी इज्जत। अबे साले बाजी तू मारा अब हरियाणा देखी जाएगी। साले तेरी चक्कर में मेरी इज्जत भी डूब गई, अब तू भी डूबेगा साले। ले, ले, अबे चुप साले छोटा छतरी। ले ये खा, ये खा, ये खा, ये खा। अरे अबू, हमने आपको बताया ना, हमारी कोई गलती नहीं है, आप हमारा भरोसा तो करें। हम तो बस चुपचाप रास्ते पे चल रहे थे, हमने किसी को कुछ बोला भी नहीं, फिर भी हमको पीछे से ठोक दिया अबू। एक बार, बस एक बार ऊपर वाला हमें उन लोगों से दोबारा मिला दे। अमी कसम मैंने मुंडी तोड़ देनी है उनकी। अबू बस एक बार वो सामने तो आ जाए। देख रहा है विनोद? हैं जी, तूने देखा ना कैसे दोस्तों के बीच फूट डाला जाता है। Hey guys, I hope तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, एंड रिपोर्ट करना उन लोगों को जो कि हमारे वीडियो को चोरी करके अपने पेज में डालते हैं। प्लीज यार गाइज, ऐसे लोगों को रिपोर्ट करो। एंड इसी के साथ गाइज, तुम लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता था, और वो मैसेज ये है कि मेरे चैनल का ये डॉज कॉन्टेंट का आखिरी वीडियो है। इसके बाद तुम्हें मेरे चैनल पे कोई भी डॉज कॉन्टेंट नहीं मिलने वाला दोस्त। एंड गाइज, इसकी वजह ये है कि इसकी बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस है। मुझे अब 4 साल हो जाएंगे काम को करते करते, बट मैं अभी तक वहीं का वहीं पे हूं, जबकि मेरे साथ वाले बहुत ही आगे पहुंच चुके हैं। गाइस, मेरी भी अपनी फैमिली है, मेरे भी अपने बिल्स हैं जिनको मुझे भरना होता है। एंड बिलीव मी, मेरे 7 महीने की यूट्यूब की अर्निंग से भी मैं अपने 1 महीने के बिजली के बिल को नहीं भर सकता हूं, तो इतनी कम मेरी इनकम है। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं। इसके बावजूद अगर मैं अपने आप को इसी में रोक के रखता हूं, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। मैंने अपनी लाइफ के 4 साल इस काम को दिए हैं, एंड बिलीव मी गाइज, मेरी हालत बस से बदतर हो चुकी है। यार मैं भी अपनी लाइफ को बेटर करना चाहता हूं। बिलीव मी गाइज, मेरे ऑडियो चैनल पे इससे ज्यादा व्यूज आते हैं, जबकि उसको कोई जानता भी नहीं है। मैं अपने चैनल पे आगे बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट डालूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है कि मैं फेल भी हो जाऊं, लेकिन मेरे अंदर इतनी शिकायत नहीं होगी कि मैंने कुछ ट्राई नहीं किया। ये मेरे अपने 4 साल बर्बाद करने से तो लाख गुना बेहतर होगा। एंड गाइज, जो भी मुझ पर नाराज होगा इस बात पे, तो प्लीज यार तुम कल के दिन खूब पढ़ाई लिखाई करके कुछ ऐसी जगह जॉब करना जहां पे तुम बिना इनकम के जॉब करोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा भाई कैसा फील होता है। सबकी अपनी फैमिली है गाइस, तुम मेरी प्रॉब्लम जानते ही नहीं हो। मैं कैसी हालत पे हूं, क्या हूं, तुम कुछ नहीं जानते। ये कंप्यूटर वॉइस पे काम करते करते मैं खुद की अपनी आवाज भूल चुका हूँ दोस्त। क्रिएटिविटी सिर्फ एक जगह पे ही फिक्स हो चुकी है, कुछ भी नया करने को है ही नहीं भाई। बट एनीवे गाइस, यार अब तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, एंड मेरी तरफ से गुड बाय चिम्स को हमेशा के लिए। एंड गाइस, जो लोग भी मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, तो तुम्हारा भाई तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा, वो हार्डवर्क करेगा, कुछ अच्छा कॉन्टेंट तुम्हारे लिए जरूर लेके आएगा। ओके गाइस, बाय, लव यू यार, तुम सबको, तुम मेरी जानो।